दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट करने वाला हूँ कि YouTube वालों ने मेरे इस चैनल की मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर दिया है। यानी कि एक क्रिएटर के लिए मोनेटाइजेशन डिसेबल होना बहुत ही बुरी बात है। तो यार, मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना बुरा लग रहा है। मेरे इस चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं और YouTube ने मेरे साथ ऐसा किया, इसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन मैं वीडियो बनाना छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो इसके लिए मैंने एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है द फाइनल फैक्ट, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो प्लीज़ यार, मुझे सपोर्ट कीजिए और उस चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि मैं अब सारी वीडियो उस चैनल पर डालूंगा। इस चैनल पर वीडियो कभी कभी आएगी, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ यार, आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। यार, कहाँ पर मेरा ये 10,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल जा रहा है और कहाँ मैं अब जीरो से स्टार्ट करूँगा। तो प्लीज़ यार, मेरे इस बुरे टाइम में मेरा साथ दीजिए और उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इतना कर सकते हो यार, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अभी भी योयो हनी सिंह के बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि योयो हनी सिंह अपने नेक्स्ट वीडियो की शूटिंग के लिए इंडिया से बाहर चले गए हैं। यह बात खुद उनके सबसे करीबी दोस्त अल्फाज ने बताई है कि वो अभी इंडिया से बाहर क्यूबा में गए हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो की शूटिंग कर रहे हैं। तो चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फाज ने क्या बोला। योयो पाजी भी कैम है, बहुत बढ़िया। वो भी हम क्यूबा जा रहे हैं शूट कर अपना अगला गाना। तो मैं गाने का नाम नहीं डिस्कलोज कर सकता जी। तो बहुत जल्दी गाना आ रहा उन्होंने भी, उन्होंने को भी 70-80 गाने रेडी किए पे है, बस वो शूट करने हैं तड़ा सटने मार्केट। तो अल्फाज की ये बातें सुनकर हमको लग रहा है कि योयो हनी सिंह बहुत जल्दी वीडियो में दिखाई देने वाले हैं। अब तक उनके दो सॉन्ग आए जिनमें वो खुद दिखाई नहीं दिए, लेकिन अब 100% हम श्योर हैं कि योयो हनी सिंह का अगला जो भी गाना आएगा उसमें हम हनी सिंह को देखेंगे। तो मैं तो उनके ये गाने देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। क्या आप भी एक्साइटेड हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके बताएं कि आप योयो हनी सिंह के कितने बड़े फ़ैन हैं और उनके नए गाने का कितना वेट कर रहे हैं।